इस क्षेत्र में कहीं भी सातों पंचायत में विकास नहीं है। कोई घर से निकल रहा है तो उसका कदम पानी में पड़ रहा है, न जाने का रास्ता न आने का रास्ता, कहीं कुछ नहीं है। सब नल जल योजना वहीं अधूरा पड़ा है, नाली का काम देखिए, सोखता का काम देखिए, कहीं कोई काम नहीं है, विकास नहीं है। ये तो हम नहीं बता सकते हैं कि वजह क्या है, क्यों नहीं विकास हुआ, विकास जो कराने वाला था वो क्यों नहीं कराया, ये तो वो जानता है, हम तो नहीं जानता है। या विकास करने कराने का उसको तजुर्बा मालूम नहीं है कि कैसे विकास कराया जाता है, कैसे क्षेत्र का विकास होगा उसको मालूम नहीं है, तभी तो विकास नहीं हुआ। नहीं तो बहुत जगह जाके देखिए विकास हुआ है, हमारे क्षेत्र संख्या 39 में कहीं विकास नहीं है। चुनाव का टाइम है, सब लोग आ रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, पाँव पकड़ रहे हैं, कोई गोड़ पे गिर जा रहा है सीधे कि भाई वोट दीजिए, और जीतने के बाद कौन आया है, वर्तमान में सीमा देवी जी हैं, मुझे तो कोई विकास उनके द्वारा नहीं दिख रहा है। टीवी सिवांचल में आपका स्वागत है और मैं नितिन तिवारी आपके बीच एक नए खबर के साथ फिर हाजिर हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार में पंचायती चुनाव का माहौल है और कई जगहों पर पंचायत चुनाव हो चुके हैं और कई जगहों पर अभी बाकी हैं, जिसको लेकर लगातार प्रत्याशी जो हैं वो अपने पंचायत में डोर टू डोर लोगों से मिल रहे हैं और लोगों से वोट की मांग कर रहे हैं। हालांकि आपने देखा भी है कि पंचायत में कितना विकास हुआ है और उस विकास को देखकर अब जो जनता भी है वह मूर्ख नहीं है, वो सोच समझ कर इस बार अपना मत देगी, यानी अपना वोट डालेगी। और लगातार प्रत्याशी जो देखे जा रहे हैं वो अपने पंचायत की जनता को है लोभन दे रहे हैं, लालच दे रहे हैं, और इसके आधार पर वो सोच रहे हैं कि वो पंचायत की जो जनता है उन्हें वोट दे दे, लेकिन अब की बार ऐसा नहीं होगा। हालांकि ये सब बातें बाद में होंगी और हम भी आज निकले हुए हैं, जो न्यूज़ टीवी सिवांचल की टीम है वह भी क्षेत्र में भ्रमण कर रही है। लगातार जिस तरह से प्रत्याशी डोर टू डोर लोगों से मिल रहे हैं तो न्यूज़ टीवी सिवांचल की जो टीम है वह भी उन प्रत्याशियों से मिल रही है और उनसे बात भी कर रही है आखिर क्या रीज़न है कि जिसकी वजह से उन्हें पंचायत चुनाव में आना हुआ। तो इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए आज न्यूज़ टीवी सिवांचल की टीम आज सिवान जिले के भगवानपुर हाट में पहुंची हुई है और हमारे साथ मौजूद हैं जिला पार्षद 6 संख्या 39 के ओम प्रकाश जी, जिला पार्षद प्रत्याशी हैं और आज उन्हीं से हम बात करेंगे, जानेंगे कि इस बार जिस तरह से वो इस पंचायत चुनाव में अपना कदम रखे हुए हैं क्या कारण था कि उन्हें पंचायत चुनाव में आना हुआ, क्या विकास नहीं हुआ है। सभी सवालों के जवाब जानने के लिए आइए इन्हीं से बात करते हैं। सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत। जी नमस्कार, धन्यवाद। ओम प्रकाश जी, ये बताइए कि इस बार आप जिला पार्षद चुनाव लड़ रहे हैं, जी क्या कारण है कि चुनाव लड़ना पड़ा आपको? देखिए, इसके पहले भी हम चुनाव लड़े थे जी। उसके बाद हमने अपना मूड मोमेंट नहीं बनाया था लड़ने का, लेकिन जनता ने हमें सपोर्ट किया, पब्लिक ने, कि इस बार भी आप लड़िए, इसी कारण है कि हम लड़ रहे हैं। अच्छा, इसके पहले आप जब लड़े थे तो उसमें क्या आपकी हार हो गई थी? जी हमारी हार हो गई थी। तो कैसे हार का कारण? हार का कारण था कि हम सब जगह नहीं घूम पाए थे, सब लोगों से नहीं मिले थे। लोगों ने यही सोचा कि पहले ही हमसे नहीं मिल रहे हैं तो जीतने के बाद ही और नेता के तरह नहीं आएंगे, नहीं मिलेंगे, इसीलिए हम हार गए थे। नहीं तो जिला पार्षद चुनाव लड़ने का कारण क्या है, मतलब कैसे आपको आया कि मन में कि जिला पार्षद चुनाव लड़ेंगे हम? देखिए, क्षेत्र का विकास देखकर कि इस क्षेत्र में कहीं भी सातों पंचायत में विकास नहीं है। कोई घर से निकल रहा है तो उसका कदम पानी में पड़ रहा है, न जाने का रास्ता न आने का रास्ता, कहीं कुछ नहीं है। सब नल जल योजना वहीं अधूरा पड़ा है, नाली का काम देखिए, सोखता का काम देखिए, कहीं कोई काम नहीं है, विकास नहीं है। सो पब्लिक ने, सब लोगों ने मुझसे कहा कि आप इस बार भी चुनाव लड़िए, हम आपका भरपूर सहयोग देंगे और आप ही विकास कर सकते हैं, इसीलिए हमने चुनाव में अपना कदम बढ़ाया। जैसा कि आपने बताया है कि आपके मतलब सातों पंचायत में विकास नहीं हो पा रहा है जी, तो आखिर क्यों विकास नहीं हो पा रहा, क्या कमी है, वजह क्या है? अब देखिए, ये तो हम नहीं बता सकते हैं कि वजह क्या है, क्यों नहीं विकास हुआ, विकास जो कराने वाला था वो क्यों नहीं कराया, ये तो वो जानता है, हम तो नहीं जानता है। या विकास करने कराने का उसको तजुर्बा मालूम नहीं है कि कैसे विकास कराया जाता है, कैसे क्षेत्र का विकास होगा
उसको मालूम नहीं है, तभी तो विकास नहीं हुआ। नहीं तो बहुत जगह जाके देखिए विकास हुआ है, हमारे क्षेत्र संख्या 39 में कहीं विकास नहीं है। बहुत योजनाएं आई थी, कहीं कुछ नहीं हुआ है। जाइए इस गांव में देखिए, लोग पानी ठेउन भर पानी हेल के अपने घर में जा रहे हैं। किस गांव में? पनियाडी में जी। अगर पीसीसी भी बन गया होता तो लोग गिरते नहीं पानी में, सीधे अपने घर पहुंच जाते गाड़ी से मोटरसाइकिल से, सब लोग सड़क पे खड़ी करके जाते हैं। क्या हुआ है विकास? चुनाव का टाइम है, सब लोग आ रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, पांव पकड़ रहे हैं, कोई गोड़ पे गिर जा रहा है सीधे कि भाई वोट दीजिए, और जीतने के बाद कौन आया है? अभी तो कोई जनता कहे, जनता तो भोली भाली है, बहकावे में आ जाएगी और वोट दे देगी। वोट देने के बाद कौन जनता को पूछता है? कोई नहीं पूछता है। यानी जनता को मूर्ख बनाकर उनका वोट ले लिया जाता है। जी जी, जनता को मूर्ख बना के उनका वोट ले लिया जाता है और अपना मतलब स्वार्थ सिद्ध किया जाता है। जनता कहीं जाए कुछ भी हो, कोई मतलब नहीं है जनता से। अच्छा, जो वर्तमान में आपकी मतलब जिला पार्षद कौन थे? वर्तमान में सीमा देवी जी हैं। उनके द्वारा क्या कुछ काम विकास को नहीं हुआ? मुझे तो कोई विकास उनके द्वारा नहीं दिख रहा है। कहाँ कोई विकास दिख रहा है? आपके सामने है देखिए, पानी पानी भरा पड़ा है, कहाँ विकास हुआ है? कोई विकास नहीं हुआ है। कब से वो ऐसा स्थिति कब से है? ये तो 5 साल से है। तो फिर क्यों नहीं बन रहा अभी तक 5 साल में? क्या अब तो उसको तो मुखिया भी बना सकते थे। बिल्कुल बना सकते, तो कोई नहीं बनवाया है। क्यों, क्या कारण क्या है? गांव की कमी कुछ है? गांव की नहीं, पब्लिक की कमी है। बाकाओ में आके वोट दे देती है और फिर कहने जाती है नहीं, तो कहां से विकास लोग करेंगे? लोग दूसरे का विकास नहीं करते हैं, पब्लिक का नहीं करते हैं। कहीं अपना कर लिए होंगे विकास, तो जनता का विकास कैसे होगा? यानी आप साफ तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि जो जिला परिषद सीमा देवी थी उनके द्वारा कोई काम नहीं किया? कोई काम उनके द्वारा नहीं हुआ है। कोई काम आ, जो भी काम हुआ है उन लोगों ने अपना किया, कराया, अपना समझा, किसी के द्वारा काम नहीं हुआ और न कुछ दिख रहा है। तो हम क्या, सारी पब्लिक कह रही है, सारी पब्लिक कह रही है कि कोई काम नहीं हुआ है और न उम्मीद लग रहा है कि ये काम होगा। तो आप भी पंचायत चुनाव में कदम रखे हैं, तो आपका मैनिफेस्टो क्या है, क्या उद्देश्य लेके आप जनता के बीच जा रहे हैं? जनता के बीच में हम जा रहे हैं कि पहले हम जनता की विकास करेंगे, जनता की विकास करेंगे। जो अधूरा काम है उस अधूरे काम को पूरा करूंगा। नल हुआ, नल जल हुआ, नाली हुआ, सोखता हुआ, इंदिरा आवास हुआ, जो भी होगा मेरे द्वारा, मैं जनता के बीच में रह के 24 घंटा रह के इन लोगों का भरपूर काम करूंगा। जितना विकास हो, विकास लाने का प्रयास करूंगा। जनता कैसे विश्वास करेगी, क्योंकि कई प्रत्याशी आए और लोभन देकर चले गए या जीत भी गए तो उनके पास दोबारा मिलने के लिए भी नहीं आए। जनता की बहुत सारी समस्या है, फिर कैसे आप पे कैसे उम्मीद जताएगी कि आप भी कुछ काम करेंगे? बिल्कुल सही बात आपने कहा, जनता को लोग लुभा के वोट ले लेते हैं। हम चुनाव नहीं लड़ रहे थे, लेकिन जनता ने ही सपोर्ट करके मुझे चुनाव लड़वा रहा है कि हम आपके साथ हैं, आप निश्चिंत रहिए, आपसे हम लोगों को उम्मीद है और किसी से जनता बोल रही है, जनता बोल रही है कि आपसे हम लोगों को उम्मीद है और किसी से उम्मीद नहीं है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि क्षेत्र संख्या 39 के जिला पार्षद प्रत्याशी ओम प्रकाश सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं और इनके द्वारा कई सारी बातें बताई गई। इन्होंने कहा है साफ तौर पे कि इनके 7 पंचायत में कुछ विकास नहीं हुआ है, जिसकी वजह से इस बार ये जनता के बीच आए हैं और अगर जनता इन्हें भारी बहुमत से जिताती भी है तो ये जनता के हित में काम करेंगे। ये हम नहीं बल्कि ये जो भावी जिला पार्षद प्रत्याशी ओम प्रकाश जी हैं, इनका कहना है। हालांकि जनता से भी हम बात करेंगे, आज नहीं लेकिन अगले खबर में आपको जनता से बात करके दिखाएंगे कि जनता इनके सपोर्ट में है या नहीं, जनता क्या कुछ कहती है उसको भी हम आपको दिखाएंगे। हालांकि और भी क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। ये बताइए कि आप जनता के बीच तो जा रहे हैं, वोट भी मांग रहे हैं वहाँ पे, जी, जी, तो जनता जी, से वहाँ से कैसा क्या? जनता का मुझे भरपूर सपोर्ट मिल रहा है, पूरा समर्थन है। जी पूरा समर्थन है, कोई कोई किसी जनता से गिला शिकवा नहीं है, सब लोग मुझे भरपूर सहयोग कर रहे हैं। क्या आपको लगता है किस बार आप निकल? जी पूरा उम्मीद है कि मैं निकल जाऊंगा और जनता की सेवा करूंगा। निकलने के बाद आप सबसे पहले कौन सा काम करेंगे पंचायत में? जी सबसे पहले देखूंगा कि जो अधूरा कार्य है उस कार्य को पूरा करूंगा। तो आपने तो कहा कि सब कुछ तो अधूरा ही है, कुछ बिल्कुल बिल्कुल अधूरा है, तो वही तो हम कह रहे हैं कि जो अधूरा पड़ा हुआ है काम, उस अधूरे को पहले पूरा करूंगा और उसके बाद
पानी की निकासी के बारे में सोचूंगा, सातों पंचायत की कोई किस पब्लिक को दुख कष्ट ना उठाना पड़े कि घर में से निकले पानी में कदम, पानी में फिर घर में, पहले तो पानी के निकास के बारे में सोचूंगा। जनता से क्या कुछ अपील करेंगे? जी, जनता से कह रहा हूँ कि आप मुझे भरपूर समर्थन दीजिए, हम आपकी सेवा 24 घंटा तन मन धन से करेंगे, कहीं आपसे कोई गिला शिकवा नहीं करेंगे, अगर गिला शिकवा भी हुई होगी हमसे तो उसे क्षमा करेंगे, और हम आपका इस बार वादा करते हैं कि सातों पंचायत में विकास की धारा जरूर बहा दूंगा, हमारी वादा है आप लोगों से। अच्छा, जनता से अपने वादा तो बहुत बड़ी कर दी, और आपका लाइव टेलीकास्ट हम चला रहे हैं जी, अगर आप जीतते हैं और जनता के बीच काम नहीं करते हैं और जनता अगर ऐसी शिकायत करके आती है तो उस समय आप क्या करेंगे? हम ऐसा मौका ही नहीं देंगे। अगर ऐसा होता है तो क्या होगा? मौका ही नहीं देंगे। जनता बुर्बक नहीं है, जनता होशियार है, चलाक है, हमेशा ही जनता किसी के बहकावे में नहीं आती है, कभी तो आंख खुलता है, कभी तो आंख खुलता है, तो जनता ही समझे। तो आप देख सकते हैं कि क्षेत्र संख्या 39 के भावी जिला पार्षद प्रत्याशी ओम प्रकाश सिंह उर्फ ब्यास सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, और इन्होंने काफ़ी बड़े बड़े दावे किए हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि इस सातों पंचायत में, यानी जिला पार्षद क्षेत्र संख्या 39 के सात पंचायत हैं, सातों पंचायत में कोई भी विकास नहीं हुआ है। ये हम नहीं बल्कि आरोप खुद भावी प्रत्याशी ओम प्रकाश सिंह जी लगा हैं, और इनका कहना है कि अगर हम जीतते हैं तो जरूर पंचायत की जनता के विकास के लिए काम करेंगे, उनके हित में काम करेंगे। तो अब देखना यह होगा कि क्या जो इस पंचायत की भूली भाली जनता है, क्या भारी बहुमत से इन्हें विजयी बनाती है। जो भावी जिला परिषद प्रत्याशी हैं ओम प्रकाश सिंह, ये जनता के हित में काम करेंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जल्द ही हमारे YouTube चैनल न्यूज़ TV सिवान को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटी को जरूर दबाएंगे ताकि जब भी कोई ताज़ा खबर की अपडेट आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ TV सिवान से। संवाददाता नितिन तिवारी की रिपोर्ट।